स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 12 जून 2024 को किस देश में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 45 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 घायल हो गए। ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी कतर, डी कुवैत। आंसर डी कुवैत। एक्सप्लेनेशन। 12 जून 2024 को कुवैत के दक्षिणी शहर मंदाफ में 7 मंजिला एक इमारत में बुधवार को भीषण आग लग गई थी जिसमें 195 प्रवासी श्रमिक रहते थे। इस घटना में कम से कम 45 भारतीय कामगारों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए। वायुसेना का सुपर हरक्यूलिस विमान कुवैत से 45 शवों को लेकर शुक्रवार को भारत आ चुका है। विमान केरल के कोची में उतरा है क्योंकि ज्यादातर मृतक वहीं के थे। इसके बाद विमान दिल्ली आएगा, यहां से शव संबंधित राज्यों में भेजे जाएंगे। साथ में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद थे। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा आयोजित NEET UG परीक्षा का उद्देश्य क्या है? ए MBBS, BDS आयुष और संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, बी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, सी प्रबंधन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, डी कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। आंसर ए MBBS, BDS आयुष और संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। एक्सप्लेनेशन। नीट UG भारत भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS आयुष और संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NTA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा है। नीट UG 2024 के रिजल्ट जारी होने के बाद लगातार विवादों में बना हुआ है जिसकी वजह है इस प्रवेश परीक्षा में बड़ी संख्या में NEET UG 2024 कई उम्मीदवारों का अच्छा प्रदर्शन, जिसके चलते छात्रों से लेकर परिजनों तक इस रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इन परिणामों की जांच करने की मांग उठाई है। अगला प्रश्न। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया? ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी यूनेस्को, सी वर्ल्ड बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी वर्ल्ड बैंक। एक्सप्लेनेशन। विश्व बैंक ने हाल ही में S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के सहयोग से कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI जारी किया है। CPPI दुनिया भर के 405 बंदरगाहों के व्यापक डेटा सेट पर आधारित है जो अब तक का सबसे बड़ा डेटा सेट है। बता दें कि विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने इस रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न। नासा भारत में किस IIT के साथ मिलकर मल्टीड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहे हैं? ए IIT वाराणसी, बी IIT मद्रास, सी IIT दिल्ली, डी IIT मुंबई। आंसर बी IIT मद्रास। एक्सप्लेनेशन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास और नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL के शोधकर्ता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर मल्टीड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहे हैं। IIT मद्रास और नासा के JPL के बीच सहयोगात्मक प्रयास वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भारत को लौटाई जा रही मूर्ति किस संत का है? ए संत आदि शंकराचार्य, बी संत कबीर, सी संत तिरुमंकई अलवर, डी संत रामानुज। आंसर सी संत तिरुमंकई अलवर। एक्सप्लेनेशन। ब्रिटेन की जानी मानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक संत की 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति भारत को लौटाने पर सहमति जताई है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह तमिलनाडु के एक मंदिर से चुराई गई थी। विश्वविद्यालय के एशमोलियन संग्रहालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि 11 मार्च 2024 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की काउंसिल ने एशमोलियन संग्रहालय से संत तिरुमंकई अलवर की 16वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति की वापसी के लिए भारतीय उच्चायोग के दावे का समर्थन किया। यह फैसला अब अप्रूवल के लिए चैरिटी आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।